गाइस इस वीडियो में मैं आपको मोबीक्विक जिप जो ब्लैक कार्ड है गाइस आज हम उसको एक्टिवेट करके देखेंगे। उसके एक्टिवेट में जो प्रोसेस होगी गाइस उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और जो मोबीक्विक जिप ब्लैक कार्ड है उसके बारे में कुछ डिटेल्स भी हैं जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले मोबीक्विक जिप कार्ड को आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी जो मोबीक्विक एप्लीकेशन है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने उसको यहाँ से ओपन कर लिया है। अगर आपने मोबीक्विक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना होगा यानी कि डाउनलोड करना होगा। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में गाइस कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अभी गाइस यहाँ पर जो न्यू अपडेट आया है तो पहले आपको डाउनलोड अगर आपने अभी किया है तो आप जो है लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन अगर आपका पहले से ही डाउनलोड है तो फिर आपको प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट आप जैसे ही कर लेते हो गाइस तो अभी आपको क्या करना है कि हम दो तरह से यहाँ पर जो है जिप ब्लैक कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका है गाइस कि आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि एक नहीं गाइस कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, दो तीन ऑप्शन। जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर होम का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरे में ऑल सर्विस है, तीसरे पर जिप बैलेंस है हमारा, चौथे पर हिस्ट्री है और पाँचवें पर यहाँ पर ऑफर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इनमें से गाइस आपको यहाँ पर ऑल सर्विस वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यानी कि ऑल सर्विस पर। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विस में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मनी प्लस, लोन्स, जिप और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कार्ड का वाला, तो आपको कार्ड पर क्लिक करना है। कार्ड पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंट्रोड्यूसिंग मोबीक्विक जिप ब्लैक कार्ड जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी गाइस ये जो कार्ड है ये रुपए कार्ड होता है और यहाँ पर इससे जो भी आप स्पेंड करोगे उसका 5% आपको कैशबैक मिलेगा, वो गाइस आपके सुपर कैश में होगा। यहाँ पर मोबीक्विक में एक सुपर कैश वॉलेट भी होता है तो ये 5% का कैशबैक आपको उसमें ट्रांसफर होगा। और अगर इसमें देखोगे तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है और गाइस लाइफ टाइम में भी आपको कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी है, ये लाइफ टाइम फ्री है। उसके बाद में अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप ऑल इन वन इसे एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने मोबीक्विक अकाउंट की KYC को करना पड़ेगा गाइस, ये मैंडेटरी है। तो आप अपनी मोबीक्विक की KYC को कंप्लीट कर लीजिए। और गाइस अगर आप जो है यहाँ पर अपने मोबीक्विक अकाउंट में जिप पेलेटर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसे एक्टिवेट करके भी मैंने आपको दिखाया है कैसे आपको एक्टिवेट करना है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप जाके वॉच कर सकते हो। वॉच करने के बाद में गाइस अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि गेट एक्सक्लूसिव जिप ब्रांड ऑफर्स, यहाँ पर जो जिप के ब्रांड है उनके ऑफर्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आपको सिंपली करना कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पर जो जिप ब्लैक कार्ड है वो हमने देख लिया है और इसके बारे में जो है गाइस यहाँ पर हमने कुछ डिटेल्स भी है वो देख लिए। अभी गाइस यहाँ पर बात करें इसकी लिमिट की, तो गाइस इसकी लिमिट जो हमारे मोबीक्विक वॉलेट की लिमिट होती है, जितने भी बैलेंस को हम मोबीक्विक वॉलेट में करके रखेंगे ऐड मनी उतना ही हमारे जिप पेलेटर की यानी कि अपने जिप ब्लैक कार्ड की जो है लिमिट होगी गाइस। लेकिन आप इसमें देख लीजिए और आप यहां से कस्टमर केयर से सपोर्ट ले सकते हो कि आपकी जो जिप कार्ड है उसकी लिमिट कितनी होती है। तो अभी हम यहां से एक्टिवेट करेंगे तो नीचे आपको एक्टिवेट नाउ वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोसेसिंग होगा। और अगर गाइस आप यहां पर देखोगे तो देयर वाज अ प्रॉब्लम लोडिंग ऑफर स्टेप टू रेट्री, ऐसा करके कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से ऑप्शन है, लेकिन गाइस अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो अकाउंट है यानी कि हमारा जो जिप ब्लैक कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि गाइस यहाँ पर हमारा जो वॉलेट बैलेंस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी हमारा वॉलेट बैलेंस 0 है। यहाँ पर गाइस ये जो वॉलेट बैलेंस है यही हमारे जो कार्ड है उसकी लिमिट है। और यहाँ पर सुपर कैश यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सुपर कैश गाइस जब भी हम अपने जिप कार्ड से स्पेंड करेंगे और उसका जो 5% हमें कैशबैक मिलेगा वो यहाँ पर सुपर कैश में कन्वर्ट होगा और वो यहाँ पर जो है आ जाएगा। और जो यहाँ पर वॉलेट बैलेंस में जो भी बैलेंस होगा वो आपके जिप कार्ड की जो है लिमिट होगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपने जिप कार्ड की लिमिट और जिप कार्ड के बारे में जो मैंने कुछ डिटेल्स है वो बता दी है। अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि टैप टू व्यू डिटेल्स, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अपने जिप कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स आप देख पाओगे, जैसे कि अपने कार्ड के नंबर और जो CVV है, एक्सपायरी वगैरह, डेट वगैरह, तो सभी आप यहां से देख सकते हो। मैं यहां पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करूंगा और आप यहां पर देख सकते हो कि मेरी जो कार्ड नंबर है और मेरे जो एंड एक्सपायरी डेट वगैरह और CVV है वो सारे मेरे को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ इस तरह से आप यहां पर अपने मोबीक्विक जिप ब्लैक कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो
और गाइस अगर बात करें जीप फिजिकल कार्ड की तो वो अभी कमिंग सून में है, मतलब बहुत जल्द हमारे यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तो वो जैसे ही आएगा गाइस उससे रिलेटेड वीडियो भी हम ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप इसे सिर्फ फिजिकली ये नहीं यूज़ कर सकते गाइस, आप इसे डिजिटली यूज़ कर सकते हो। ये डिजिटल आपका सारा काम करेगा गाइस, इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अमेज़ॉन मिंत्रा, उन्होंने वहाँ पर बताए रखे हैं हमें एक्सक्लूसिव ब्रांड ऑफर में, जैसे कि हमने देखा था। तो गाइस जो मोबीक्विक जीप ब्लैक कार्ड है उसके बारे में कुछ यही डिटेल थी, और अगर इसके बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो आप कस्टमर केयर से सपोर्ट ले सकते हो मोबीक्विक से, तो वो आपको बेटर सजेशन और बेटर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इससे रिलेटेड अगर और कुछ डिटेल्स या हेल्प चाहिए तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शंस पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा साइड में कोने में, तो आपको यहाँ पर आना है। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, साइड में आपको सेटिंग पर क्लिक करना है, और अगर अपने कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। अगर रिपोर्ट करना चाहते हो अपने कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो चुका है तो यहाँ पर रिपोर्ट फ्रॉड पर क्लिक कर सकते हो। अगर हेल्प चाहिए तो नीड हेल्प पर क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे।